हाय दोस्तों, हाय हाउ आर यू ऑल। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं देवद्वार पहाड़। देवद्वार पहाड़ जो कि बारापलासी में स्थित है, बारापलासी जो कि दुमका से 15 किलोमीटर दूर में है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं देवद्वार पहाड़। मैं जा रहा हूँ और पीताम्बर है पीछे इधर। तो चलते हैं देवद्वार पहाड़ और देखते हैं वहाँ का नज़ारा। आगे मैं डिटेल में बताऊँगा वहाँ के इन्फॉर्मेशन और कुछ फैक्ट के बारे में। तो चलो, आज हिल्स भी ट्रैक करना है गाइस, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है हम लोग को, और हम लोग लेट हो चुके हैं आज थोड़ा। तो चलते हैं देवद्वार पहाड़ और फिर उधर जाके मिलते हैं। तो गाइस, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। अगर मेरे चैनल एडवेंचरिंग पिक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें गाइस, एंड फिर हम लोग मिलते हैं देवद्वार पहाड़ में। और हाँ, वेलकम टू द चैनल एडवेंचरिंग पिक्चर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो नाउ वी आर गोइंग टू देवद्वार पहाड़, सो स्टे विद अस टिल द एंड इन माय वीडियो गाइस, सो लेट्स गो। दोस्तों अभी हम देवद्वार हिल्स पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और ये रहा देवद्वार हिल्स। सो अभी हम वहाँ पे चढ़ने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं वो हिल्स और चढ़ते हैं देवद्वार हिल्स में। वाओ, व्हाट ए व्यू मैन, व्हाट ए व्यू यू कैन सी। इधर वो लगाया आप आई थिंक। सो दोस्तों अभी हम देवद्वार पहाड़ पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग को उस जगह पे चढ़ना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जिग जैग वाला रोड है। सो उधर से हम लोग को जाना है, एंड तो चलते हैं उधर। दोस्तों यहाँ पे एक बाल्टी टंगा हुआ मिला। ये बाल्टी क्यों टंगा है, वहाँ पर देखिए कुआं है, इसलिए यहाँ पर बाल्टी टांग दिया है ताकि जो भी आए वो चेहरे को धोए, पैर धोए, फिर आगे मंदिर के लिए जाए। फ्रेंड्स अभी हम चंद्रकूप पर पहुँचे हैं। ये है चंद्रकूप, देवद्वार का चंद्रकूप यहाँ पे है। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ से जल भरते हैं, पहले पैर हाथ धो भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आए उधर से तो पैर हाथ धोएंगे, चेहरा धोएंगे, फिर अगर नहाना है तो नहा भी सकते हैं। बट आई डोंट नो यहाँ पे लोग नहाते हैं भी कि या नहीं नहाते हैं, आई डोंट नो। सो ये है चंद्रकूप, यहाँ से जल भरते हैं और फिर महादेव को अर्पित करते हैं देवद्वार में, देवद्वार जो कि पहाड़ों के टॉप पर स्थित है। तो चलिए देवद्वार टेंपल की ओर बढ़ते हैं आगे। सो अभी भी बने रहें ब्लॉग में एंड चलते हैं आगे। देवद्वार जाने के लिए हम लोग आधा हिल्स को ट्रैक कर चुके हैं एंड आधा हम लोग को करना है और। सो बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत सारे पत्थर हैं यहाँ पर, और छोटे बड़े पत्थर से होते होते हम लोग आगे जा रहे हैं। रास्ता भी बनाए गए हैं और हम लोग उसी रास्ता से अभी हम लोग जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, फुल ऑफ स्वीटी हो चुका हूँ गाइस। गाइस वी अप्रॉक्सीमेटली रीच द टेंपल एंड सो हियर लिटिल विल फार अवे फ्रॉम हियर, सो लेट्स गो। ओह माय गॉड, यू कैन सी द गाइस आउट स्टैंडिंग व्यू, यू कैन सी सो मेनी ट्रीज एंड सो मेनी रॉक्स, सम ह्यूज रॉक्स। सो दोस्तों अभी हम देवद्वार मंदिर पहुंच गए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे देवद्वार मंदिर है। तो अभी हम पहुंचे हैं और तो चलते हैं मंदिर की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने, हम देवद्वार मंदिर पहुंच चुके हैं। तो गाइस यहां बता दूं कि यहां पे शंकर भगवान का मंदिर है, पार्वती मैया का मंदिर है, काली माँ का मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है और गणेश भगवान का मंदिर है, और ये मंदिर पहाड़ के टॉप पे ये मंदिर है।
अगर ये मंदिर आप आना चाहते हैं तो बारापलासी से मात्र 5 किलोमीटर दूरी में है। बारापलासी और दुमका से, यहाँ पे दुमका से 20 किलोमीटर की दूरी में ये मंदिर है, और नोनीहाट से आई थिंक 10 किलोमीटर की दूरी में ये मंदिर स्थित है। और बासुकीनाथ से, अगर आप बासुकीनाथ से आना चाहते हैं तो 20 किलोमीटर की दूरी में ये मंदिर है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं ये बहुत ही नेचर से भरा हुआ मंदिर है, और सबसे बड़ी बात है कि ये पहाड़ के ऊपर ये मंदिर है। हाँ, शिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर गाइस, क्योंकि शिवरात्रि के दिन क्या होता है कि यहाँ पर शिवरात्रि के दिन मेला लगता है, और रात में लाइटिंग वाइटिंग पूरा सजी रहती है, और बाबा का यहाँ पर शादी होता है शिवरात्रि के दिन। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जगह, यहाँ से नेचर से भरा हुआ सीन है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे, अगर आप आना चाहते हैं तो। हाँ गाइस, यहाँ का हिस्ट्री जो कि मुझे उतना तो पता नहीं है, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये जो मंदिर है ये बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर नहीं है, ये हाल फिलहाल ये मंदिर बना है। इस मंदिर का इतिहास अगर मुझे मालूम होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ लेना। अभी तो मुझे गाइस कुछ आइडिया नहीं है इस मंदिर के इतिहास के बारे में, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए इधर ही गाइस वीडियो के एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, एंड ऐसे आप मज़ेदार ब्लॉग एंड मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलते हैं किसी नए दिन किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कहीं भी तुम ब्लॉगिंग करने निकलता है तुम रास्ता में ले लेता 3-4 घंटा टाइम ब्लॉगिंग करके, तुम उठ सोच के तुमको सुबह निकलना चाहिए, पता कहीं भी निकलेगा।